पीएम मोदी आज करेंगे बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री की बैठक। कोविड-19 स्थिति और टीकाकरण पर चर्चा करेंगे, सरकारी अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। पीएम मोदी आज करेंगे बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, कोविड-19 पर सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री करेंगे बैठक, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कोविड-19 की स्थिति और टीकाकरण पर होगी चर्चा, सरकारी अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जिस तरह से कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, अलग अलग देशों में कोरोना के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री आज 10:30 बजे बैठक करेंगे सरकारी अधिकारियों के साथ, कोविड-19 की स्थिति और टीकाकरण पर करेंगे चर्चा। सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और कोरोना की स्थिति देश में क्या है और कितने मामले सामने आ रहे, साथ ही टीकाकरण की स्थिति कैसी चल रही है, इन सभी तमाम चीजों पर सरकारी अधिकारियों के साथ 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बैठक करेंगे। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री खुद कोरोना की स्थिति पर चर्चा करने वाले हैं, तो क्या लग रहा है किस तरह से आने वाली जो थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही थी उसको लेकर किस तरह से सजग नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री? और ताइवान और हांगकांग में कोरोना के एक नए वेरिएंट ने दस्तक दी है जिसका नाम B.1.1.5.1.5.7.9 है। तो माना जा सकता है इस वेरिएंट की जैसे ही हलचल हुई है और जानकारी में आना शुरू हुआ है, तो भारत ने पहले से ही अपनी सतर्कता कर दी है और करना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से थर्ड वेव की आशंका बढ़ जा रही थी अभी तक तो खैर हालांकि कुछ नहीं लग रहा था, जिस तरह से अचानक नए वेरिएंट दस्तक दी है देने के साथ ही भारत में उस स्थिति को नहीं हो, फैलाव ना हो, कंट्रोल जाना ना फैले, ज्यादा मौतें ना हो, उसको लेके प्रधानमंत्री आज बैठक बुलाई है और जो मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है अलग अलग राज्यों के, उनके साथ और तमाम जो लोग हैं जो कि स्वास्थ्य संस्थाओं में काम करते हैं उनके साथ उन्होंने बैठक बुलाई है। और बैठक बुलाना बहुत आवश्यक भी है क्योंकि दस्तक दे दी है और कहीं ना कहीं लोग आते जाते, क्योंकि लगभग लगभग सारी गलतियां हुई हैं विदेशी जो फ्लाइट्स हैं अगर उनपे अभी से नियंत्रण लगा दिया जाए तो क्या कोरोना के जो नए वेरिएंट है उसको भारत में आने से रोका जा सकता है, या फिर सिर्फ इन चीजों पर जो बाहर से यात्री आ रहे हैं उनपे सिर्फ निगरानी करके, उनके स्कैनिंग करके क्या इससे आगे खतरा हो सकता है? तो बता दूं कि कल ही उत्तर प्रदेश सरकार, अगर बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की, तो कल ही आदेश दे दिए गए थे कि जो भी एयरपोर्ट पे यात्री आएंगे, अगर देशों से बाहर देशों से यात्री आएंगे तो उनकी जांच ली जाएगी, स्क्रीनिंग ली जाएगी और 15 दिन को लगभग लगभग उनको क्वार्टर में रहने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी अगर किसी का कोई संकेत मिलते हैं। तो ये चीज उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है और जल्दी देश में जो अन्य राज्यों में भी स्थिति है वो भी लागू कर दी जाएगी, क्योंकि जो भी संक्रमण फैलता है अपूर्ण बाहर से फैलता है, लोग बाहर से आते हैं और संक्रमण फैलता है। मैं बता दूं जब कोरोना का पहला संक्रमण फैला गया हिंदुस्तान में आया था, भारत में आया था, तब भी इटली से कुछ लाए आए, कुछ पर्यटक जो आए हुए थे जो कि राजस्थान आए हुए थे, मथुरा आए हुए थे, उनके संक्रमण की पुष्टि हुई थी बाद में, फिर संक्रमण कोरोना का संक्रमण फैला था। तो माना जाता है बड़ी बैठक है, इसके साथ ही इस बैठक में टीकाकरण, जो कोविड टीकाकरण है उसको तेज करने के आदेश दिए गए हैं, किस तरह से कोविड टीकाकरण तेज किया जाए, सभी लोगों को पहली और दूसरी डोज, पहली डोज ही जरूरी नहीं, दूसरी डोज भी बहुत आवश्यक है, तो दोनों डोजों का लगना बहुत जरूरी है। सिर्फ टीकाकरण को तेज करने के भी आदेश दिए गए। मैं बता दूं कल लखनऊ में भी जो लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक विकास, उन्होंने भी, अगर लखनऊ की बात करें, उन्होंने भी आदेश दिया है कि अब कोई भी रजिस्ट्रेशन की जरूरी नहीं है, आप किसी भी बूथ केंद्र पर जाके कोविड की पहली और दूसरी डोज ले सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में हमारे साथ संवाददाता गौरव जुड़े थे। तो कोविड की स्थिति और टीकाकरण पर प्रधानमंत्री आज बैठक करेंगे, सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, दोनों की स्थिति पर चर्चा करते हुए नजर आए कि आज अहम निर्णय भी ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से विदेशों में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो इस नया वेरिएंट सामने आया वो 30 बार म्यूटेंट हो चुका है और इसकी गंभीरता को देखते हुए अब सरकार सतर्क पर है। रविवार को होगी यूपी
टीईटी परीक्षा, इस वक्त की बड़ी खबर, शिक्षा विभाग के अफसर बनाए गए पर्यवेक्षक, सभी केंद्रों की निगरानी और निरीक्षण करेंगे। सुबह 10 बजे से 12:30 और 2:30 बजे से 5 बजे तक चलेगी परीक्षा। 21,62,000 से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल। रविवार को होगी यूपी टीईटी परीक्षा, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षा विभाग के अफसर बनाए गए पर्यवेक्षक, सभी केंद्रों की निगरानी और निरीक्षण करेंगे। सुबह 10 बजे से 12:30 और 2:30 बजे से 5 बजे तक चलेगी परीक्षा। दो पालियों में परीक्षा चलेगी। 21,62,000 से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल। तो रविवार यानी कि कल यूपी टीईटी की परीक्षा होगी। शिक्षा विभाग के अफसर पर्यवेक्षक बनाए गए हैं और ये पर्यवेक्षक ही सभी केंद्रों की निगरानी और निरीक्षण करेंगे। सुबह 10 बजे से 12:30 और 2:30 बजे से 5 बजे तक परीक्षा होगी, यानी दो पालियों में परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। 21,62,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में भाग लेंगे। सीएम योगी का बलरामपुर दौरा, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी ने मां पाटेश्वरी मंदिर तुलसीपुर में की पूजा, पूजा कर वो गोंडा के लिए होंगे रवाना। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने एयरपोर्ट पर बढ़ाई सख्ती, जांच और स्क्रीनिंग का बढ़ाया जाएगा दायरा। विदेश से आने वाले यात्रियों की जांच स्क्रीनिंग की जाएगी, 15 दिन स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में रहेंगे सभी यात्री। तो कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने एयरपोर्ट पर सख्ती बढ़ाई, जांच और स्क्रीनिंग का बढ़ाया जाएगा दायरा। विदेश से आने वाले यात्रियों की जांच स्क्रीनिंग होगी, 15 दिन स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में रहेंगे सभी यात्री। जिस तरह से नए वेरिएंट का कहर देखने को मिल रहा है, उसके बाद अब सरकारें अलर्ट पर है, एयरपोर्ट पर सख्ती बढ़ाई गई है। जिस तरह से अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखना है, इसलिए जो फ्लाइट है उसको कैंसिल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, जांच और स्क्रीनिंग जरूर बढ़ाई जाएगी। जितने भी विदेश से आने वाले यात्री हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। 15 दिन तक स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में रहेंगे सभी यात्री। अगर किसी तरह से कोई लक्षण देखने को मिलते हैं तो उनका इलाज किया जाएगा और उन्हें क्वारंटाइन कर उनकी अलग से देखभाल करने की सभी व्यवस्था की गई। स्वास्थ्य विभाग ने एयरपोर्ट में सख्ती बढ़ा दी है, जांच और स्क्रीनिंग का दायरा बढ़ाया जाएगा, इसका भी निर्देश दिया गया है। सीएम योगी का बलरामपुर दौरा, बलरामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी ने मां पाटेश्वरी मंदिर तुलसीपुर में की पूजा, पूजा कर वो गोंडा के लिए होंगे रवाना। सीएम योगी आज कई दौरों पर है। सीएम योगी का बलरामपुर दौरा भी है, जिसमें सीएम योगी ने मां पाटेश्वरी मंदिर में पूजा करी, पूजा करके वो गोंडा के लिए रवाना होंगे और शाम को वो वाराणसी जाएंगे। दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी में टमाटर सस्ता, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। टमाटरों के दामों में देखी गई कमी, एक सब्जी विक्रेता ने किया खुलासा। सब्जी विक्रेता ने बताया टमाटर की कमी से बढ़े थे दाम, बाजारों में आए स्थानीय टमाटर, आपूर्ति से दामों में आई कमी। यानी बाजार में टमाटर भरपूर मात्रा में आ गए, जिस वजह से दामों में कमी आ गई। अब 35 से 40 रुपए किलो हुआ है दाम। अब मध्य प्रदेश से आ रहा है टमाटर। दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी में टमाटर सस्ता, टमाटरों के दामों में देखी गई कमी, एक सब्जी विक्रेता ने किया खुलासा।